डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बांसु की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपन बात कर रहे थे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर जो डेली चैप्टर चल रहा था दुग्ध रसायन, उसमें आपने दूध के अवयव की बात कर ली थी। उसी में आगे पढ़ रहे हैं अवयव में ही प्रोटीन। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना प्रोटीन रहेगा। प्रोटीन क्या होता है, इस प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है वो दूध के जो अन्य अवयवों में से एक प्रमुख अवयव है। जो दूध के अन्य अवयव हैं उनमें से ये भी एक अवयव है जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनके निर्माण में आवश्यक होता है। शरीर की जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके निर्माण में क्या होता है, आवश्यक होता है। दूध के अंदर जो प्रोटीन है वो तीन प्रकार की प्रोटीन देखने को मिलती है। दूध में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, तीन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें पहले नंबर पे बात करते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन, नंबर टू पे बात करते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, नंबर तीन पे बात करते हैं कैसीन प्रोटीन। अब ये तीनों ही प्रकार की जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन और जो कैसीन प्रोटीन है अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, और पचने पर ये वापस किस में टूट जाती है, अमीनो अम्लों की जो इकाइयां हैं उनमें टूटे जाती है। दूध में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो कैसीन प्रोटीन होती है, जो कितनी मात्रा में पाई जाती है, 80% मात्रा के अंदर पाई जाती है। दूध का जो सफ़ेद रंग है वो कैसीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, कौन सा प्रोटीन होता है कैसीन, कितनी मात्रा में पाया जाता है, 80%। दूध में जो कैसीन की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, 2.0 से 3.5% पाई जाती है, जिसमें गाय का जो दूध होता है उसमें कैसीन की मात्रा 3.5% पाई जाती है, और भैंस का जो दूध होता है उसमें कैसीन की जो मात्रा है वो 3.6% पाई जाती है। तो ये इन बिंदुओं की बात करेंगे। मैं पहले पॉइंट की बात कर लेता हूँ, प्रोटीन दूध के अन्य अवयव में से एक है। यह दूध के अन्य अवयवों में से एक है, यह दूध के अन्य अवयवों में से एक है जो शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है, जो शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में, जो शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। दूध के अन्य अवयवों में से एक है जो शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। दूध में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, तीन प्रकार की। दूध में तीन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। दूध में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, तीन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी प्रोटीन होती है, नंबर वन एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, नंबर टू ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, नंबर तीन कैसीन प्रोटीन, उसमें तीन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट, दूध में और ये तीनों ही प्रकार की जो प्रोटीन है, तीनों ही प्रकार की जो प्रोटीन है, तीनों ही प्रकार की प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। इससे मिलकर बनी होती है, अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, और पचने पर
किसमें टूट जाते हैं? अमीनो अम्लों की इकाइयों में टूट जाते हैं, अमीनो अम्लों की इकाइयों में टूट जाते हैं। पचने पर किसमें टूट जाते हैं? अमीनो अम्लों की इकाइयों में टूट जाती है। अब दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, दूध में जो कैसीन प्रोटीन है, दूध में कैसीन की मात्रा 80% पाई जाती है। दूध में कैसीन प्रोटीन की जो मात्रा है उसकी कितनी पाई जाती है? 80% पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में दूध का जो सफेद रंग है वो कैसीन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का जो सफेद रंग है वो किसके कारण होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध में जो इस कैसीन की जो मात्रा है, कैसीन की मात्रा 2.0 से 3.5% पाई जाती है। दूध में जो कैसीन की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? 2.0 से 3.5% पाई जाती है। गाय के दूध में कैसीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? गाय के दूध में कैसीन की मात्रा 3.5%। भैंस के दूध में कैसीन की मात्रा 3.6% पाई जाती है। तो ये है दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के कुछ प्रमुख बिंदु। प्रोटीन में क्या बताया? दूध के अन्य अवयवों में से एक होता है प्रोटीन, जो शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में क्या होता है? सहायक। दूध में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन। ये तीनों ही प्रकार के जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। और पचने पर किसमें टूट जाते हैं? अमीनो अम्लों में टूट जाते हैं। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है वो कौन सा होता है? कैसीन होता है। कितनी परसेंट मात्रा में पाया जाता है? 80% मात्रा के रूप में पाया जाता है। दूध का जो सफेद रंग है वो कौन सी प्रोटीन के कारण होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध में कैसीन प्रोटीन की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? 2.0 से 3.5% पाई जाती है। गाय के दूध में कैसीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 3.5%। और भैंस के दूध में कैसीन की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? 3.6% पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी।